नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ गाजर से बनने वाली मिठाई की रेसिपी। बिल्कुल रसीली सी, स्वादिष्ट सी, हमारी हलवा जैसी बर्फी का टेस्ट, सारे टेस्ट इसमें मिलेंगे आपको और बहुत ही स्वादिष्ट जेली की तरह बन के तैयार होगी। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं इस मिठाई की रेसिपी को हम। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए है गाजर, जिन्हें मैंने छील लिया है हल्का हल्का, और इसे अब हम पीसेस में कट कर लेंगे। तो गाजर को हमें इस तरह से पीसेस में कट कर लेना है, सारी गाजर इसी तरह से काट कर तैयार कर लेंगे। गाजर को आपको पहले धुल लेना है और फिर छील लेना है और फिर इसे कट कर लेना है। तो सारी गाजर हम इस तरह से काट के पहले तैयार कर लेते हैं। और अब हम इसे एक पैन में डालेंगे, क्योंकि इसे हमें हल्का सा बॉईल करना है। और यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और इसे अब हम इसमें डाल देते हैं। सारी गाजर हम इस तरह से डाल देंगे, साथ में हम 1/4 कप पानी डाल देंगे। पानी सिर्फ हमें इतना डालना है कि जो गाजर हमने डाली है वो डूब जाए। तो इस तरह से हमने गाजर को डाल दिया है पैन में। आप चाहें तो इसे धीमी आंच में ढककर भी उबाल सकते हैं या फिर बिना ढक्कन के भी इसे उबाल सकते हैं। चाहे तो कोई प्लेट घर की ढक दें इसे बॉईल करते समय। और इसमें मिला दें चीनी, तो मैं यहाँ पे पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें खड़ी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, जो मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाल दी है और इसे मिला दिया है। और अब हम इसे धीमी आंच में इस तरह से पकने देते हैं। तो मैं यहाँ पर प्लेट ढक देती हूँ ताकि ये जल्दी से पककर तैयार हो जाए, थोड़ी सॉफ्ट सी हो जाए। और थोड़ी देर बाद ये गाजर हमारी पक जाएगी तो इसे हम चेक कर लेंगे और देखेंगे इसका कलर कितना प्यारा आ गया है। तो इस तरह से एक गाजर को हम तोड़ के देखेंगे और ये टूट रही है, बहुत ही बढ़िया बॉईल हो गई है। गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे निकाल कर छान लेते हैं। तो इसका पानी हम अलग करेंगे और गाजर को अलग करेंगे। ठंडी होने के बाद हम इसे छानते हैं। आप चाहें तो चम्मच की सहायता से भी गाजर को निकाल सकते हैं। पानी को हमें फेंकना नहीं है, अभी हम मिठाई बनाने में इस पानी का उपयोग कर लेंगे। तो ये गाजर जो है अब हमें एक जार में डालकर ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से महीन पीस लेना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, या फिर गाजर जो हमने बॉईल की है तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम ऐसे भी पीस सकते हैं। डालना चाहें तो थोड़ा पानी इसमें डालकर पीस सकते हैं। बस इसका महीन पेस्ट हमें इस तरह से बना के तैयार करना है। हमने देखे चम्मच से चला के इसे अच्छे से महीन पीस कर तैयार किया था। अब हम इसे पैन में निकाल लेते हैं और 10 मिनट के अंदर ये मिठाई अब बनके तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें घी का इस्तेमाल नहीं करना है, दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, ना कोई ड्राई फ्रूट का, ना मावा का। और झटपट से सुंदर सी हमारी मिठाई जेली की तरह बनके तैयार हो जाएगी। जो गाजर का पानी है अब हम उसे भी उपयोग कर ही लेते हैं। ये 1/2 कप के करीब पानी है और इसमें हम डाल देते हैं ये कॉर्नस्टार। तो कॉर्नफ्लोर, कॉर्नस्टार जो भी आपके पास है वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे 3 चम्मच डाल रही हूँ। ये इजीली आपको किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाता है, या फिर ये नाश्ता वगैरह में भी लोग डालते हैं तो घर पर भी रखा रहता है। अब हम इसे अच्छे से पानी में घोल लेते हैं, इस तरह से इसका घोल बना लेते हैं। अब इसमें हमें और पानी नहीं डालना है। और जो पैन में हमने गाजर निकाल के रखी थी अब हम इसमें मिला देंगे। तो पहले मैंने सारी चीज़ें मिला दी हैं, इसके बाद मैं इसे गैस पे रखूँगी पकने के लिए। और अब हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे मीठे के लिए। तो मैं यहाँ पे 1/3 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीनी थोड़ा सा कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो खड़ी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिला लेते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा गैस पे इस मिठाई को बनाने में।
झटपट से बन जाएगी। तो चलिए इसे मिलाकर हम गैस ऑन करके इसे रख लेते हैं गैस पर। ये अच्छे से मिल गई है, देखें बिल्कुल अच्छे से मिल गई है। और गैस को अब हम धीमे पे रखेंगे, तेज पे नहीं रखेंगे, और इसे अब हम चलाते हुए पका लेंगे। अब हम इसमें अच्छा सा टेस्ट देने के लिए, यानी बर्फ़ी जैसा टेस्ट देने के लिए कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर एक अच्छे फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा कम ज़्यादा अपने हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। मैंने एक चम्मच इसमें डाला है, आप चाहें तो 2-3 चम्मच इसमें कोकोनट डाल सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से थिक होने तक पका लेते हैं, जब तक कि ये अच्छे से पककर तैयार ना हो जाएगा, क्योंकि इसे हमें सेट करना है। तो इसे हम पका लेते हैं अच्छे से, और तेज़ आंच हमें बिल्कुल नहीं करनी है, धीमी आंच में। बहुत ही बढ़िया हमारी मिठाई सुंदर सी बन के तैयार होगी, बिना कलर के। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमने इसे गाजर से बना के तैयार किया है, कोई भी ड्राई फ्रूट या फिर मेवा का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस मिठाई को भी आप नए साल पर ट्राई कर सकते हैं। और अब हम इसे पकने देते हैं। ये 3 फ्लेवर की हमारी मिठाई है, जैसे हम गाजर का हलवा खाते हैं, या फिर कोकोनट की बर्फ़ी, या ठंडी ठंडी आइसक्रीम, वो सब आपको इस मिठाई में फ्लेवर का अंदाज़ महसूस होगा खाने पर। बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बनेगी। अब ये पक कर तैयार हो गया है, आपको मैं चेक करना भी बता दूंगी कि कैसे आप चेक करेंगे कि ये पक गया है। आप देखेंगे कि ये काफ़ी थिक और गाढ़ा सा हो गया है, और कढ़ाई में सिमट भी रहा है, और इसका कलर भी आपको थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा। और एक बात और, जब हम ये पक जाता है तो इससे एक छोटे छोटे से, जैसे पकाते समय बबल्स नहीं पड़ते हैं, वैसे बबल्स टाइप के इसमें पड़ते नज़र आएंगे। तो इस तरीके से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। हमने इसे पका लिया है बढ़िया से, आप देखिए कितना बढ़िया ये पक के तैयार हो गया है। जितना बढ़िया ये पक जाएगा उतना बढ़िया ये सेट होगा। और देखिए बबल्स पड़ना इसमें शुरू हो गए हैं, थोड़े थोड़े इसमें बबल्स टाइप के पड़ रहे हैं, तो यानी ये अच्छे से पक चुका है। अब हमें गैस को बंद कर देना है इस समय, और इसे निकाल लेना है। और इसे निकालने के बाद हम तुरंत सेट कर देंगे इसे, इसे ठंडा नहीं करेंगे, गरम गरम में सेट करेंगे, नहीं तो ये पैन में ही सेट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे केक टिन ले लिया, आप कोई भी टिफ़िन या छोटी छोटी कटोरी में भी इन्हें सेट कर सकते हैं। और बस हम इसे डाल देंगे केक टिन में, मैंने इसे डाल दिया है। और थोड़ा सा हम इसे इस तरह से सारा डालने के बाद चम्मच की सहायता से इसे निकाल कर अच्छे से फैला देंगे। और मोटी पतली मिठाई अपने हिसाब से आप इसमें सेट कर सकते हैं। और टिन को मैंने इस तरह से हिला दिया है ताकि ये फैल जाए। और इसके बाद मैंने इसे थोड़ा मोटा रखने के लिए चम्मच से इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा दिया है, और बहुत ज़्यादा अब हमने इसे चिकना भी नहीं किया है, बस अब हमने इसे इस तरह से फैलाकर छोड़ देना है ताकि ये सेट हो जाए। 10 से 20 मिनट में आराम से ये सेट हो जाएगी। तो हम इसे निकाल लेंगे, या फिर आप थोड़ा सा फ्रिज में रख के इसे ठंडा करके झटपट से सेट कर सकते हैं, और ईजिली ये निकल आएगी। तो इस तरह से हम टीन को हिला लेते हैं, इससे ये टीन को छोड़ देगी, और देखें किनारे से छोड़ने लगी है। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे चारों तरफ इस तरह से करने के बाद, कोई प्लेट में या थाली में आप इसे निकाल लीजिए। इस तरीके से इसे पलट लेंगे, और मन चाहे पीसेस में अब हम इसे काटेंगे। तो सबसे पहले हम इसे काट कर इसका किनारा जो है वो साइड कर देंगे, ताकि जो पीसेस हम काटें वो बहुत ही बढ़िया कट के तैयार हों इस तरीके से। और अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो जैसे पीस आपको पसंद हो इस मिठाई के, वैसे पीस आप काट सकते हैं, पर मैं चौकोर काट रही हूँ, वो भी बहुत ही सुंदर दिखते हैं।
और सारे पीसेस कट कर लेते हैं इसी तरीके से। और पीसेस कट होने के बाद हम यहाँ पर इनको इस तरीके से निकाल लेते हैं, ईज़िली आपकी ये मिठाई निकल आएगी। अब मैंने ड्राई कोकोनट लिया है इसे सुंदर सा दिखाने के लिए। आप इसके ऊपर ड्राई कोकोनट ज़रूर लगाएं या फिर पिसी हुई चीनी लगाएं, जिससे इनकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी, देखने में बहुत ही सुंदर मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। तो नए साल में नए तरह की मिठाई बच्चों बड़ों सभी के लिए आप बना सकते हो, जो झटपट से बनने वाली है। कोई भी इसमें आपको मावा की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और मिठाई बनके तैयार हो गई है, बहुत ही सुंदर और खाने में टेस्टी लगी बनी है एकदम जेली की तरह। मैं इसे आपको काट के दिखाऊंगी कि कितनी सॉफ्ट मुलायम हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है, एकदम सॉफ्ट सी है। इस तरह से हम इसे कट करके दिखा रहे हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलेंगे इसी तरह की नई नई रेसिपी के साथ हम।